वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू द बाइडेन हैट्स यूट्यूब चैनल। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा आता है तो उसको लाइक और शेयर भी। आज का हम लोग का वीडियो बनाने का मकसद है बाइडेन हैट्स, मकसद है कि हाइकोआ 150 रैकेट्स को कैसे चेक करना जाता है। अगर आप हाइकोआ 150 रैकेट्स को अपने को सही तरीके से चेक करना चाहते हैं कि मेरे वाला रैकेट ओरिजिनल हाइकोआ 150 है या नहीं, तो सबसे पहले आप अपने रैकेट को, ये मेरे पास भी हाइकोआ 150 रैकेट ही है, ये ओरिजिनल हाइकोआ 150 रैकेट है, इसका आपको इस चीज़ से सबसे मेनली अंदाज़ा हो जाएगा। जो हाइकोआ 150 के न्यू वर्जन आ रहे हैं वो सब पिंक कलर के अंदर आ रहे हैं। हाइकोआ 150 रैकेट सब बनाता है तो उसको ये इस चीज़ को वो पिंक कलर में रखता है, और इस चीज़ को पिंक कलर में रखता है, और उसके बाद फिर वो आगे से उसको अलहदा दो शेप्स रखता है। ये इसकी ओरिजिनल ग्रिप नहीं है, ये ग्रिप जो है मैंने बाजार से अलहदा परचेज की है, अगर आप क्योंकि इसके ऊपर ओरिजिनल ग्रिप इसकी अपनी हाइकोआ 150 रैकेट्स पे नहीं होती। हाइकोआ 150 रैकेट्स ये फ्रेम में आते हैं, ये ओरिजिनल कम्प्लीट रैकेट ये नहीं आता, ये सिर्फ इसका सिर्फ फ्रेम आता है, और आपको भी बाजार से फ्रेम परचेज करना पड़ेगा, और इसके ओरिजिनल फ्रेम के प्राइस तकरीबन 3500 से 4000 रुपए है। और अगर आप मैं हाइकोआ 150 रैकेट्स ओरिजिनल मैं 2200 में 2500 में मैं ले रहा हूँ तो ये शायद आपकी गलतफहमी है। और व्यूअर सबसे मेन बात, हाइकोआ 150 रैकेट्स जो होते हैं ना, ये कार्बन प्लस ग्रेफाइट ये कंबाइन होता है, ये सिंगल नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर ड्यूरेबिलिटी होती है। ये जो हाइकोआ 150 ओरिजिनल होगा वो आराम से मेल्ट हो सकता है, देख रहे हैं आपके सामने इसकी लचक अच्छी है, इसी वजह से ये ओरिजिनल है। और इसके ऊपर ना उन्होंने जैसे कहते हैं होता है ना कि एक लगाया हुआ है लाए मार्क भी, ये ओरिजिनल है वो उन्होंने कहीं लिखा होता है ओनली ग्रेफाइट, ये ओनली ग्रेफाइट होता ही नहीं है, क्योंकि अगर ओनली ग्रेफाइट होगा तो जितनी इसमें लचक है तो बहुत जल्दी टूट सकता है, इसलिए अगर आपको। और इसका वेटेज, ये हम भी आपको इसका वेटेज, बैलेंस पॉइंट, वेट और टेंशन, कि कितनी टेंशन की शॉट प्रोड्यूस करेगा वो इसके ऊपर रिटर्न होते हैं। ये आपको कोई कहीं भी इसका वेट जो है वो 285 mm है, तो वो इसका ओरिजिनल वेट जो है 275 से 285 mm होता है, और इस यानी कि इसका बैलेंस पॉइंट जो है वो 285 mm होता है, और जो इसका वेट होता है वो 85 ± 3 हो सकता है। इससे ऊपर अगर कई रैकेट्स मैंने भी देखे हैं फेक रैकेट्स होते हैं, इसके ऊपर 75 प्लस लिखा होता है जो कि फेक है, इसकी ओरिजिनल वेटेज है 85 + 3। और इसकी स्ट्रिंग टेंशन आपने खुद करनी होती है, यहाँ पे पाकिस्तान में तकरीबन 30 lbs तक पंजाब में चलती है, एफ कसाई 30 नंबर तक, जिसकी वजह से इसकी टेंशन होती है 24 lbs। और ये जो हमारे कराची वगैरह के व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ, ये उनके एरिया की 60 नंबर की है, और जो है इस्लामाबाद वगैरह की उनकी ये 90 नंबर की कसाई है, इसकी टेंशन है 24 lbs। ये लिखा होगा इसके ऊपर जो होते हैं ना फेक उनकी, ये आप दोबारा अगर नहीं समझे तो इसको देख लीजिएगा, उन पर ये फेक लिखा होगा। और उसके बाद इसकी जो सबसे मेन बात होती है, इसकी ये बॉडी होती है, इसकी ये बॉडी देखिए यहाँ से बेंड करेगी, ये बॉडी बेंड करेगी, इजीली बेंड करेगी। और उसके बाद इसके अंदर एक ना बहुत छोटा सा मार्क लिखे होते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये वाइड एज भी, ये एज इसके बहुत दूर है, इसके एज ये देखें, ये इतना एज है, और ये एज कोई मेन भी एज नहीं है, ये एज मेन एज नहीं है। और उसके बाद इसकी टाइट तारें जिस तरह मर्जी बेंडिंग, ये आपकी ओरिजिनल हाइकोआ 150 में होगी, और अगर आपके वाले रैकेट में सारा कुछ। और उसके बाद हाइकोआ के साथ रजिस्टर्ड लिखा होगा, हाइकोआ और रजिस्टर्ड, ये देख सकते हैं कि हाइकोआ के साथ रजिस्टर लिखा होगा। और अगर आपके वाले रैकेट्स के अंदर ये सारे कुछ बताए जाने के मुताबिक है तो मुबारक हो, आपका हाइकोआ 150 रैकेट इट ओरिजिनल है। और काइंडली अगर वीडियो को पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।